फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राइटिंग सेक्शन, यानी पूरे ग्रामर सेक्शन वाले भाग को शुरू करेंगे। तो वन शॉट में ही पूरा क्लियर हो जाएगा आपका ग्रामर सेक्शन। तो इसमें पूरे को कंप्लीट करेंगे, टेंस को देखेंगे, क्लॉज को देखेंगे, है ना। राइटिंग से किस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है उस तरह से देखेंगे, वॉइस से भी देखेंगे, है ना, डिटर्मिनर से भी देखेंगे, ग्रामेटिकल सेंटेंस करेक्शन भी देखेंगे। तो इस वाले वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको आप ज़रूर देखिए। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इसमें जो है थोड़ा जल्दी जल्दी चलना होगा ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन राइटिंग, ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, है ना। तो ये ठीक है। अब क्वेश्चन है कि इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटेन इन। देखो, ये मॉडल सेट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो देखो, रिपोर्ट राइटिंग होता है ना, वो पास्ट में लिखा जाता है, पास्ट टेंस में उसको लिखा जाता है। तो इमीडिएट पास्ट फॉर्म इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइल्ड प्रिपेयरिंग नोट्स, जब हम लोग नोट्स को तैयार करते हैं, नोट मेकिंग का फॉर्मेट मैंने बताया है, ठीक है। तो वो भी आप वीडियो ज़रूर देखना, उसमें नोटिस का फॉर्मेट बताया गया है, आर्टिकल का फॉर्मेट बताया गया है ना। तो उसमें बताया गया है, तो कह रहा है कि वाइल्ड प्रिपेयरिंग नोट्स विच इज नेवर यूज, किसका यूज नहीं होता है, फ्रेज का, कंप्लीट सेंटेंस, एब्रेविएशन, या बोथ, बी एंड सी। तो देखो, जब हम लोग नोट मेकिंग बनाते हैं ना, तो कंप्लीट सेंटेंस नहीं लेते हैं, शॉर्ट में उसको लिखा जाता है, ठीक है। तो संक्षिप्त दिया जाता है आंसर, क्विक रिविजन होता है। तो इसमें सेंटेंस जो है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसका यूज नहीं करते हैं, कंप्लीट सेंटेंस यूज नहीं होता है नोट मेकिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोट्स शुड बी इन डैश है फॉर्म, किस में होता है, डिस्क्रिप्टिव में, एब्रीविएटेड में, नरेटिव में, या शॉर्ट में। देखो, नोट्स शॉर्ट में होता है, ठीक है। बड़े से बड़े सेंटेंस को, बड़े से बड़े आर्टिकल को शॉर्ट में लिख देना ही नोट मेकिंग कहलाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन नोट मेकिंग नोट्स आर रिटन ओनली, किस में लिखा जाता है, सेंटेंस में, फ्रेज में, नाउन क्लाज में, या एडवर्बियल फ्रेज में। देखो, जब मैं नोट मेकिंग बता रहा था, तो उसमें बताया था कि वर्ड्स और फ्रेज का यूज किया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइल राइटिंग ए नोट, जब हम लोग राइट नोट लिखते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट यूज, किसका यूज नहीं करते हैं, हेडिंग का, सब हेडिंग, एब्रेविएशन, या आर्टिकल। देखो, हेडिंग का तो यूज होता है, और हेडिंग के अंदर सब हेडिंग होता है, एब्रेविएशन का यूज होता है नोट मेकिंग में, आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है। आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो सही ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। राइटिंग अ नोट कन्वीनियंट मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ हेडिंग इज इन डैश और सिस्टम है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन बताना है क्या होगा, रोमन, इंग्लिश, डेसिमल, या ट्रेडिशनल। देखो, इसका सही ऑप्शन डेसिमल है, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद, किससे स्टार्ट होता है, डेट से, सेंडर एड्रेस से, रिसीवर एड्रेस से, या सब्जेक्ट से। तो देखो, जब भी फॉर्मल लेटर लिखा जाता है ना, तो सेंडर एड्रेस से ही शुरुआत होता है, जो लेफ्ट मार्जिन में दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेटर टू द एडिटर आर रिटेन इन। देखो, ये भी शायद मॉडल सेट में कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, लेटर टू द एडिटर्स आर रिटेन, न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं, ठीक ना, किसके लिए लिखते हैं, न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन एज फर्स्ट एंड इंफॉर्मेशन, थर्ड एंड इंफॉर्मेशन, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, या नन ऑफ द एबव। देखो, यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर हैंड होगा ना, एच ए एन डी, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। तो देखो, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू, किस लिए लिखते हैं, इन्वाइट करने के लिए, या डांटने के लिए, या प्रेज करने के लिए, या प्ले करने के लिए। तो देखो, जब भी इन्विटेशन लेटर लिखते हैं, तो उसका पर्पस होता है इन्वाइट करना, ठीक है। तो सही ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा कि वाइल राइटिंग आर्टिकल वेयर शुड द राइटर मेंशन हीज और हर नेम, अपना नाम कहाँ पर वो लिखता है, एट द टॉप, एट द एंड, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो देखो, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। ऊपर भी लिखता है और नीचे भी लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, किसके अंतर्गत आता है, ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर, बिजनेस लेटर, या इनफॉर्मल लेटर। तो देखो, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी होगा, बिजनेस लेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाइल राइटिंग द
ए नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रीली यूज, किसका यूज करते हैं आर्टिकल का, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, मॉडल सेट में भी ये पूछा था क्वेश्चन, सेंटेंस, एब्रीविएशन या प्रीपोजिशन। तो देखो एब्रीविएशन का यूज होता है, ठीक ना, एब्रीविएशन का यूज होता है जब हम लोग नोट लिखते हैं तो, ठीक है, तो एब्रीविएशन का फ्रीली यूज होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन नोट मेकिंग, इन नोट मेकिंग नोट्स आर नोट रिटेन इन, तो किस में होगा, फ्रेज में, इडम में, सेंटेंस में या प्रिंट में। तो ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऊपर वाला ही है, तो ये सेंटेंस होगा, है ना, यहाँ पर सिर्फ सेंटेंस है, वहाँ पर ऊपर कंप्लीट सेंटेंस था, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि व्हेन नोट्स आर रीड अगेन, जब हम लोग नोट्स को फिर एक बार पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, मस्ट मेक सेंस, क्या उसके सेंस को समझते हैं, विषय वस्तु को समझते हैं, मस्ट बी रिटन लेजिबली या मस्ट मैक इनसेंसिबल या मस्ट रिटन क्लियरली। देखो जब दोबारा पढ़ते हैं ना तो उस विषय वस्तु को समझते हैं, उसके सेंस को समझते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन नोट मेकिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी डिवाइडेड, ठीक है, सेंसिबली, लॉजिकली, मैनरली या एवरेटली। देखो सेंसिबली इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिम्बल्स आर फ्रीली यूज, देखो सिम्बल के का यूज किस में करते हैं, लेटर राइटिंग में, पैराग्राफ राइटिंग में या ऐसे में या नोट मेकिंग में। तो देखो सिंबल्स जो है ना वो सिंबल्स का यूज करते हैं नोट राइटिंग में, ठीक ना, किस में करते हैं, नोट राइटिंग में करते हैं, तो इसका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन नोट मेकिंग आर ओमिटेड, किसको ओमिट किया जाता है, सिंबल को, एब्रीविएशन को, प्रीपोजिशन को या फिगर को। देखो सिंबल तो यूज होता है, एब्रीविएशन भी यूज होता है, फिगर का भी यहाँ तक यूज होता है, प्रीपोजिशन को ओमिट किया जाता है, ठीक ना, तो इसका हो गया ये, ठीक है, ओमिट इसका ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा ना, प्रीपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्फॉर्मेशन आर लॉजिकली डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड बाय द यूज ऑफ, अब यहाँ पर दिया है फिगर, लेटर, पिक्चर, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, और क्या है, तो और है रिडल्स, ठीक है। देखो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है, फिगर्स और लेटर, ठीक है। आगे चलते हैं कि इन अ फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन, ठीक है, क्या होता है, और उसी को पूछ रहा है कि इनफॉर्मल सैल्यूटेशन इंक्लूड क्या इंक्लूड करता है, डियर सर मैडम, रिस्पेक्टेड सर मैडम, ऑनरेबल सर मैडम या रिवरेंट सर मैडम। देखो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है, डियर सर मैडम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कि फॉर्मल इनविटेशन आर ऑलवेज रिटेन इन, किस में होता है, फर्स्ट पर्सन में, सेकेंड में, थर्ड में या नॉन ऑफ दी। देखो इसका सही आंसर थर्ड, ठीक है, थर्ड पर्सन में होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश ऑफ द बॉयज सैंग अ सॉन्ग, क्या होगा, नन होगा, समन होगा, एवरीवन होगा या एनीवन होगा। देखो यहाँ पर अब यहाँ भरना है चारों में से कोई एक, ये जो नन है ना, नन, इसके बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है, ठीक है, तो उसके साथ जो वर्ब यूज होता है वो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट पर आप ध्यान दो, चूँकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन इधर उधर से पूछ देता है तो फिर आप लटक जाओगे, ठीक है, तो इसलिए अगर नन के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है, जैसे एग्जांपल लो तो नन हैज गोन गोन येट, ठीक है, तो देखो हैज कैसा वर्ब है, सिंगुलर है ना, ये कैसा वर्ब है, सिंगुलर है, ठीक है, कि अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसका भी एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर है कि नन है ना, नन ऑफ दिस मनी, ठीक है, नन ऑफ दिस मनी और डैश है और यहाँ पर लिखा हुआ है योर्स, ठीक है, और ब्रैकेट में इज और आर दिया है, ठीक है, तो आप क्या भरोगे, तो देखो नन ऑफ, ठीक है, नन ऑफ के बाद ये देखो मनी, मनी क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो इसके बाद वर्ब कैसा आएगा, तो इसके बाद वर्ब सिंगुलर आएगा, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ समवन की, एवरीवन की, ठीक है, एवरीवन की मैं बात करूँ तो एवरीवन के बाद भी वर्ब जो है सिंगुलर आता है, ठीक है। एनीवन की मैं बात करूँ तो एनीवन दो से अधिक में से कोई नहीं के अर्थ में इसका यूज होता है, ठीक है, और इसके बाद जो है प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, किसका यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट जानना चाहिए, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, टाइप ऑफ इन्विटेशन, देखो टाइप ऑफ इन्विटेशन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन बिजनेस लेटर द नेम एंड डिजाइनेशन ऑफ द एड्रेस इज रिटन ऑन, लेफ्ट मार्जिन में लिखते हैं, राइट मार्जिन में लिखते हैं, एट द सेंटर या नन ऑफ दिस, सही ऑप्शन ऑप्शन ये हो गया लेफ्ट मार्जिन, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं कि आर्टिकल आर नॉट मीन फॉर, ठीक है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, लॉ बुक्स या जर्नल, सही ऑप्शन ऑप्शन सी होगा,
लॉ बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज डेट प्लेस्ड इन लेटर टू द एडिटर, तो कहाँ पर होता है, तो बिफोर सेंडर्स एड्रेस, आफ्टर रिसीवर्स एड्रेस, आफ्टर सैल्यूटेशन, या इन बिटवीन सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर्स एड्रेस। तो सही इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिव राइटिंग डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता है, आर्टिकल राइटिंग है ना, डिलीवरिंग स्पीच, रिपोर्ट राइटिंग या लेटर राइटिंग। तो देखो क्रिएटिव राइटिंग जो होता है ना, क्रिएटिव राइटिंग वो आपका जो हो जाएगा बी, डिलीवरिंग स्पीच, ठीक है। तो डिलीवरिंग स्पीच इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटन इन विच ऑफ द पीस ऑफ राइटिंग, किस राइटिंग में यूज करते हैं, रिपोर्ट में, आर्टिकल में, नोटिस में या स्पीच में। देखो एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स जो है ना स्पीच राइटिंग में इसका यूज किया जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है डी इसका सही हो जाता है, ठीक है, स्पीच राइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं कि एडवर्टीजमेंट आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज क्लासिफाइड एंड अदर इज, तो अदर जो होता है, अदर होता है जनरल एडवर्टीजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिचुएशन वैकेंट कॉलम आर प्रिंटेड, किसमें, जनरल एडवर्टीजमेंट, स्पेशल एडवर्टीजमेंट, क्लासिफाइड या नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जनरल एडवर्टीजमेंट, ठीक है, ऑप्शन जो है फर्स्ट इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सिचुएशन वैकेंट कॉलम आर प्रिंटेड इन, किस में होता है, जनरल एडवर्टीजमेंट में, स्पेशल एडवर्टीजमेंट में, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में या नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन ऑप्शन सी होगा, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नोटिस फॉर ए स्कूल कॉलेज कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट टू, किसके लिए, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो है सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट नीड्स अ ग्रेट डैश है और स्किल है। अब इसका बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, चार ऑप्शन से वॉकिंग है ना, और क्या क्या है देखते हैं, टॉकिंग है ना, कम्युनिकेशन और नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन ऑप्शन सी होगा, कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं कि वन ऑफ द टाइप ऑफ बिजनेस लेटर इज टू डैश, प्लेसिंग ऑर्डर, प्लेसिंग रिपोर्ट, मेकिंग रिक्वेस्ट, नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन ऑप्शन ए है, प्लेसिंग ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमने ये राइटिंग सेक्शन से जो क्वेश्चन मैंने आपको रिवीजन कराया, बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब टेंथ से देखते हैं, ठीक है, टेंथ से किस प्रकार का कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें से ऑप्शन को चूज करना है और सही ऑप्शन को फिल कर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि आई और डैश सिंस मॉर्निंग, ठीक है, देखो सिंस और फोर, सिंस और फोर, ये दो जो है इसका दोनों का यूज जो करते हैं ना वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करते हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी होगा, तो इसमें जो है अब इसमें कौन ऑप्शन हो, तो इसमें बताओ सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, रीडिंग, रीडिंग तो होगा नहीं, क्यों, चूँकि वी फोर है और वी फोर तभी आता है जब उससे पहले कोई एग्जुलरी वर्ब हो यानी हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, ये तो इसी छट गया। अब सेकेंड बात करते हैं हैव रीड का, तो हैव रीड यहाँ पर नहीं होगा, क्यों, चूँकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो होना क्या चाहिए, तो हैव बीन रीडिंग, ऑप्शन सी जो है इसका सही है, ठीक है। समझ में आया, प्रेजेंट परफेक्ट जो है कॉन्टिन्यूस टेंस का ये सेंटेंस है, तो इसलिए हैव बीन रीडिंग होगा, रीड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे, सी है डैश टू टेम्पल एवरी डे में क्या भरेगा, तो देखो एवरी डे जो है ना, एवरी डे सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, ठीक है। तो ये एवरी डे प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, और मैं बता दूं कि क्या क्या यूज होता है, तो ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, समटाइम हो गया, जनरली हो गया, यूजुअली हो गया, ओकेजनली हो गया, रेयरली हो गया, सेल्डम हो गया, नेवर हो गया, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, हैबिचुअली हो गया, डेली हो गया, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस अ वीक। तो ये सारे के सारे जो एडवर्ब ऑफ टाइम हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो एवरी डे है तो ये सिंपल प्रेजेंट है। तो बताओ सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट होता है और बी वन बी फाइव होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें देखते हैं कि क्या भरेगा। तो और पहले सब्जेक्ट देखेंगे ना कि सब्जेक्ट कैसा है, तो सब्जेक्ट के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ क्या किसका यूज करेंगे, कौन सा वर्ब का फॉर्म, तो वी फाइव का यूज होगा, ठीक है। तो बताओ वी फाइव कौन है, तो वी फाइव गोज है, इसका वी वन क्या है, गो, ठीक है, वी फाइव गोज। वी थ्री क्या होगा ना, गोन, वी टू क्या होगा, वेंट होगा, और वी फोर क्या होगा, गोइंग होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका होता है वर्ब का फॉर्म, ठीक है। और मैं बता दूं कि वर्ब जो है
मेनली दो टाइप होता है, एक मेन वर्ब होता है जिसमें हम वर्ब के फॉर्म के पढ़ते हैं B1, B2, B3, और एक होता है एक्जुलरी वर्ब जिसमें मॉडल पढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं, ठीक है, और सेमी मॉडल होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वर्ब के दो टाइप होता है, ठीक है। अब बताओ यहाँ लिखा है कि द, और यहाँ पर थीफ होगा ना, थीप यहाँ पर छूट गया है कि द थीफ, अब यहाँ पर खाली स्थान है, और रेड हैंडेड, अब बताओ क्या भराएगा। तो बताओ चोर अपने तो नहीं पकड़ाएगा, ठीक है, चोर को कोई पकड़ेगा ना, पुलिस पकड़ेगी, तो पुलिस पकड़ेगी, तो या जो ये सब्जेक्ट है वो एक्टिव नहीं है, ठीक ना, तो एक्टिव नहीं है तो मतलब ये वॉइस हो गया, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन सी वॉच आउट, ठीक है, तो वॉच आउट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राम टेक्स एज इफ ही डैश माई बॉस, अब यहाँ पर टेक्स नहीं है, यहाँ पर टॉक है ना, TALKS टॉक्स, राम टॉक्स एज इफ, एज इफ मतलब मानो होता है कि राम मानो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि वह मेरा बॉस है, ठीक है, तो जैसे कि वह मेरा बॉस है, तो बताओ इसमें क्या होगा। तो ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा, क्यों, चूँकि यहाँ पर ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी आता है, ठीक है, तो इस तरह से इसका इज हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, सन डैश, ठीक ना, बात, और बात के आगे भी कुछ है जो यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और वो है एवरी डे, क्या है, एवरी डे, तो बताओ एवरी डे किस में आता है, प्रेजेंट टेंस में, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये सभी आते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो बताओ सिंपल प्रेजेंट है ना, तो सब्जेक्ट, मैंने स्ट्रक्चर बताया अभी कि सब्जेक्ट के बाद V1, V5 लगाना है, तो बताओ इसमें किसन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब टेक्स है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि द बुक, ठीक है, अब द बुक डैश है और टू मी है, अब देखो अभी जितने आ रहे हैं ना सिंपल प्रेजेंट टेंस से सभी के सभी एग्जांपल हैं, किससे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और मैं बता दूं कि सिंपल प्रेजेंट दुनिया का सबसे बड़ा टेंस है, ठीक है। अब इसका देखो ये हैबिचुअल एक्शन में होता है, जैसे सूरज पूरब से उगता है, तो बताओ सूरज पूरब से उगता है तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, अब सूरज पश्चिम में डूबता है तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, अब बताओ पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो चाहे पोजिशन हो अधिकार, तो उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट का टेंस का यूज होता है, और मेंटल एक्टिविटी हो गया, जैसे वी बिलीव इन गॉड, तो वी बिलीव इन गॉड मेंटल एक्टिविटी है, तो मेंटल एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, और किस लिए होता है, इमोशन हो गया, फीलिंग हो गया, फिक्स्ड प्रोग्राम हो गया या फिक्स्ड प्लान हो गया, जैसे प्रधानमंत्री कल आएंगे तो ये फिक्स्ड क्या है, प्लान है, तो इससे भी प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में टुमारो नेक्स्ट डे है ना, नेक्स्ट नाइट हो गया, नेक्स्ट मंथ हो गया, तो ये सभी के सभी क्या है, फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है, तो इसका जो है यूज किया जाता है। तो यहाँ पर बताओ ये पोजिशन है ना, पोजिशन दिखा रहा है अधिकार कि दिस बुक टू मी, अब यहाँ पर बिलोंग्स होगा, क्यों, चूँकि द बुक क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब कौन सा होगा, बिलोंग्स, तो द बुक्स बिलोंग्स टू मी, अधिकार दिखाने के लिए प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लो एंड स्टडी, देखो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इस आप कॉन्सेप्ट देखना, ठीक है, अगर आप ये देख लिए तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब यहाँ पर मैं इसको भी बाद में देखूंगा, ठीक है, पहले मैं एग्जाम्पल से पहले आपको समझाता हूँ कि ये क्या होता है, ठीक है। अब बताओ मैंने यहाँ पर लिखा ए बॉय, ठीक है, एंड ए गर्ल, ठीक है, अब बताओ ये जो मैंने लिखा ए बॉय एंड ए गर्ल, क्या दोनों अलग अलग है क्या, तो यस अलग है, एक लड़का और एक लड़की। अब मैंने यहाँ पर लिखा कि राइस एंड करी, ठीक है, अब बताओ ये राइस और करी अलग अलग वस्तु है क्या, तो नहीं, इसका मतलब समझते हो, दाल भात होता है, तो दाल भात एक ही वस्तु है, अलग अलग नहीं है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है, एक लड़का तो एक लड़की, तो बताओ यहाँ से दो का अनुबोध हुआ और यहाँ सिर्फ एक का बोध हुआ, तो एक का बोध होगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, और दो का बोध होगा तो प्लुरल वर्ब का यूज़ करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब बताओ अगर यहाँ पर लिखा रहेगा ब्रेड एंड बटर, तो दोनों अलग अलग तो वस्तु नहीं है, एक ही है, एक ही है, लेकिन लेकिन आप मार खा जाओगे। टाइम एंड टाइड, अब बताओ ये क्या अलग अलग वस्तु है, तो हाँ अलग अलग है, टाइम से अलग क्लास का बोध हो रहा है और टाइड से अलग क्लास का बोध हो रहा है, तो टाइम और टाइड दो अलग अलग क्लास हो गया, तो दो अलग क्लास हुआ तो वहाँ पर प्लुरल वर्ब आएगा, क्लियर है, कौन सा वर्ब आएगा, प्लुरल वर्ब आएगा।
अब बताओ यहाँ पर स्लो एंड स्टडी है तो दोनों क्या अलग अलग है क्या, क्लास या कोई भी चीज़ अलग है क्या? तो इसमें का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा नहीं, दो अलग अलग क्लास नहीं है, स्लो एंड स्टडी जो है एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब एक ही चीज़ होगा तो सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अगर दो वस्तु होगा तो, या दो व्यक्ति होगा तो, या दो सेंस होगा तो, या दो क्लास होगा तो प्लुरल वर्ब। तो इसमें क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। ये आपको पता चल गया, फिर देखना आप कन्फ्यूज हो जाओगे। इतना क्लियर होने के बाद फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ताकि इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे तो आपसे छूटे ना, ठीक है। तो अब देखो मैं लिख रहा हूँ कि माई मदर, ठीक है। इसको आप बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये समझ गए तो आपको क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब देखो माई मदर एंड फादर और डैश है और प्राउड प्राउड ऑफ मी, ठीक है, मुझ पर गर्व करते हैं, ठीक है। मेरे माता पिता क्या करते हैं, मुझ पर गर्व करते हैं। अब बताओ माई फादर एंड सॉरी माई मदर एंड माई फादर क्या दो अलग अलग है क्या? हाँ, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, माँ अलग है, पिताजी अलग हैं, तो दो दो अलग अलग व्यक्ति है ना, तो अलग अलग व्यक्ति है तो कौन सा आएगा वर्ब? तो यहाँ पर वर्ब आएगा प्लुरल यानी आर, ठीक है। क्या आएगा? आर आएगा, क्लियर है। अब रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड है और पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ भी है, यहाँ भी माई है, यहाँ माई मदर बोले तो यहाँ यहाँ भी माई फादर है, ठीक है, छुपा हुआ है। अब योर अंकल एंड आंट, इसके साथ प्लुरल वर्ब, क्यों? चूँकि अंकल अलग हैं और आंट अलग हैं, तो दो व्यक्ति है ना, तो प्लुरल, तो प्लुरल तो प्लुरल वर्ब। अब बताना, फिर मैं एग्जांपल लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर लिखा मैंने कि द प्रिंसिपल, ठीक है, द प्रिंसिपल एंड सिक्रेटरी, ठीक है, सिक्रेटरी सिक्रेटरी, अब डैश है और देयर है, ठीक है। अब ब्रैकेट में वाज है और वर है। अब बताओ आप क्या भरोगे? तो बताओ द प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों अलग अलग है क्या? यहाँ पर नहीं है अलग अलग, यहाँ पर एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी भी हैं, ठीक है, थीके? तो दो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो दो अलग अलग व्यक्ति हो और उससे एक ही का बोध हो, अगर दो अलग अलग व्यक्ति हो जाएगा तो प्लुरल वर्ब, क्लियर है। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति का बोध हो, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी एक ही व्यक्ति है जो प्राचार्य है और सचिव भी है, तो जो प्राचार्य और सचिव एक ही व्यक्ति हुए ना, तो सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट में एक और एग्जांपल लेता हूँ उससे और भी, तो ये भी आप ध्यान लिखते जाना और इसको लिखते जाना, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएगा। अब बताना माई अंकल, ठीक है, माई अंकल एंड एंड है गार्जियन, ठीक ना, गार्जियन। बताओ माय अंकल एंड गार्जियन और डैश है कम कम टू सी मी, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर दिया है हैज और हैव, ब्रैकेट में हैज और हैव है, अब क्या भरेंगे? तो माय अंकल एंड गार्जियन, दो अलग अलग व्यक्ति यहाँ नहीं हैं, दोनों एक ही हैं, जो अंकल भी है और उनके गार्जियन भी है, ठीक है, दोनों यहाँ पर एक ही हुए, कोई अलग अलग नहीं है, माय अंकल एक ही और गार्जियन भी, मतलब जो अंकल है वो अंकल भी हैं और गार्जियन भी है, क्लियर है। तो सिंगुलर वर्ब इसमें आएगा, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, हैज भरा जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट, अब एक मैं और एग्जांपल लेता हूँ और इसको आप बहुत ही ध्यान से समझना। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि द प्रिंसिपल, ठीक है, तो द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी डैश है देयर, अब ब्रैकेट में है कि वाज भराएगा कि वर भराएगा, अब बताओ क्या भराएगा? तो द प्रिंसिपल और द सेक्रेटरी दो अलग अलग हो गए, दो अलग अलग हो गए व्यक्ति, दो अलग अलग हैं, एक जो प्राचार्य हैं और एक जो सचिव हैं, तो दो अलग अलग व्यक्ति हुए ना, तो दो अलग अलग व्यक्ति के लिए प्लुरल वर्ब यानी वर यहाँ पर भराएगा, क्लियर है। तो देखो यार द प्रिंसिपल फर्स्ट में यहाँ आर्टिकल था लेकिन पीछे वाला में यहाँ पर नहीं था, लेकिन अब की जब आ गया तो ये प्लुरल हो गया, तो आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि अगर दोनों जगह आर्टिकल आ जाए तो प्लुरल होगा, ठीक है, तो दो अलग अलग व्यक्ति हो जाएंगे। अगर यहाँ पर आर्टिकल आया, यहाँ पर आर्टिकल नहीं आया, तो दोनों सिंगुलर है, मतलब एक ही है, और अगर यहाँ पर कोई आर्टिकल आ गया और यहाँ भी आर्टिकल आ गया तो दो अलग अलग हो गए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, विंस हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं कि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स डैश ए डर्टी गेम, क्या पॉलिटिक्स, देखो पॉलिटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया है ना, फिजिक्स हो गया, तो ये सभी के सभी सिंगुलर होते हैं, ठीक है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो पॉलिटिक्स इज हो जाएगा, इज अ डर्टी गेम, ठीक ना, तो इस तरह से इसमें हो गया। अब बताओ द, अब यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, बर्ड्स है ना, द बर्ड्स और डैश है और अवे, ठीक है,
तो बताओ क्या होगा भर्ब भरना इसमें? तो फ्लाइंग होगा, फ्लो होगा, फ्ल्यू होगा या फ्लोन होगा या कि फ्ल्यू होगा। देखो इसके बाद भी टू, देखो ये जो अवे है ना ये पास्ट है, पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। तो इसके साथ जो है भी टू आएगा, तो भी टू बताओ कौन सा है? तो भी टू हमारा डी है ना, फ्ली। तो इस तरह से जो है ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वी आर डैश। अब बताओ यहाँ पर एक्जुलरी वर्ब आ गया है, तो एक्जुलरी वर्ब आया है तो इसके बाद कौन सा वर्ब का फॉर्म आएगा? तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। अगर इज एम आर कहीं दिख जाए तो उसके बाद समझना कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म आने वाला है, ठीक है। तो ये रूल है और आप इसको एकदम कॉन्सेप्ट के साथ दिमाग में इसको आप बैठा लो, ठीक है। तो इसके साथ गोइंग आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आई डैश हाउ टू स्विम। अब बताओ आई, आई कैसा है? तो आई के साथ डू लगता है कि डज? तो आई के साथ लगता है डू, ठीक है। तो आई डू नॉट होगा ना, तो आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोलंबस डैश अमेरिका खोज किया था ना, पास्ट में भूतकाल है, तो इसके साथ भी टू आएगा। तो भी टू कौन सा है? डिस्कवर्ड इसका सही है, तो इसका जो है डिस्कवर्ड इसमें भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इट है डैश सिंस। अब देखो सिंस फिर आ गया, अब बताओ यहाँ पर कौन सा फॉर्म होगा? तो इसका फॉर्म होगा हैज बीन रेनिंग, ठीक ना, मैंने बताया था ऊपर। तो इस तरह से इसको भरना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सुप्रिया डैश फॉर ओवर एन आवर क्या होगा? इच प्लेइंग, हैज बीन प्लेइंग, देखो यहाँ पर फोर आ गया ना, तो फोर आ गया तो क्या होगा? हैज बीन प्लेइंग, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हैज बीन प्लेइंग, तो इस तरह से इसको भरना है, ठीक है। और समझते समझते इसको बनाना भी है। अब देखो आ गया, फिर से आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर आ गया द अर्थ है डैश राउंड द सन। अब बताओ अर्थ किसके चारों तरफ घूमती है? तो सन के चारों तरफ घूमती है, क्या बन गया? यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब धरती ही, पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर घूमती है ना, कि सूरज घूमता है, पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी घूमती है तो क्या हो गया? यूनिवर्सल ट्रूथ ना, तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया तो कौन सा टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए मैंने बताया स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट के बाद वी1 वी5 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा? द अर्थ है तो मूस होगा, तो इसका मूव्स जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली है डैश ऑन द बैंक ऑफ यमुना, ठीक है। अब बताओ दिल्ली डैश ऑन द बैंक ऑफ यमुना, अब क्या है? अस्टेंडिंग है, इज अस्टेंडिंग होगा। तो देखो जब ऐसा जब भी आए ना, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है, तो इसमें अस्टेंस जो है सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो फिर आ गया द सन इन द ईस्ट, क्या होगा? सेट्स होगा, ठीक है। क्यों होगा? अब आपको पता चल गया होगा, बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आई है डैश लेटर, लेटर वेन द बेल रिंग। अब देखो यहाँ पर भरना है, अब यहाँ पर भरना है, बताओ कौन सा वर्ब का फॉर्म भरेगा? तो वर्ब का फॉर्म जो है वाज रिटेन सही हो जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। वाज रिटेन नहीं होगा, होगा कौन सा? वाज राइटिंग होगा, ठीक है। ये हो गया सही इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लुक द सन। अब इसके बाद जो सेंटेंस आएगा ना वो कंटिन्यूस आएगा, ठीक है। देखो सूरज उग रहा है ना, तो इज राइजिंग होगा, तो इज राइजिंग है, हाँ ऑप्शन डी में है इज राइजिंग, तो इज राइजिंग सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई आवर डैश इट टू नाइट। देखो टू नाइट जो होता है ना, टू नाइट ये आपका कॉन्टीन्यूस वाले सेंटेंस में यूज होता है ना, कॉन्टीन्यूस वाले सेंटेंस में सभी आता है, तो इसमें जो है आई एम रिटर्निंग सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रोज डैश स्वीट, क्या अस्मेल, अस्मेल्स, अस्मेलिंग या अस्मेल्ड? अब बताओ इसका सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन बी अस्मेल्स, ठीक है। स्टार है डैश एट, अब यहाँ पर नाइट होगा जो छूट गया है, एन आई जी एच टी, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट होगा, तो द स्टार डैश एट नाइट। अब बताओ साइंस साइनिंग साइन या हेड साइन, अब बताओ इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए किसी, यही दोनों में से कोई एक होगा, और ये दोनों तो गलत है, ऑप्शन बी और डी गलत है, ए और सी भरेगा, लेकिन कौन भरे? तो इसके लिए आपको पहचानना होगा कि सब्जेक्ट कैसा है। तो बताओ द स्टार कैसा सब्जेक्ट है? अब द स्टार कैसा सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट जो भी है, लेकिन इसके बाद प्लूरल भरवाएगा, कैसा भरवाएगा? प्लूरल, तो ऑप्शन जो है इसका सी सही आ जाएगा, ठीक ना। अब द स्टार है तो एक ही गो स्टार उसमें थोड़े होगा, तो इस तरह से, ठीक है। अब लुक्स, अब फिर आ गया, अब मैंने अभी ऊपर बताया कि लुक्स द सन इज राइजिंग, तो इसमें क्या हो जाएगा? द ट्रेन इज कमिंग,
कमी कहाँ है, यहाँ है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। ही इज डैश ऑन द रोड, क्या रनिंग, अब देखो इज आ गया ना, तो इज के बाद बिफोर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिना देखले ताकले मार देना, ठीक है। बिफोर कब, जब एग्जुलरी वर्ब उससे पहले होता है तो ऐसे ही नहीं मार देना है। अब मलेरिया है डैश आउट इन द सिटी, है ना, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा सही है, ऑप्शन सी इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, हैज ब्रोके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट व्हाट मेक्स एन एप्पल फॉल, व्हाट्स मेक्स एन एप्पल फॉल, कि व्हाट मेक एन एप्पल फॉल या व्हाट हैव बीन मेकिंग, ये तो होगा कभी नहीं, ठीक है। अब बताओ इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसमें सही ऑप्शन मैक्स होगा, व्हाट मैक्स एन एप्पल फॉल, ठीक है, इस तरह से, है ना, ये भी कभी नहीं होगा, तो ये हो गया। अब आई डैश टू द टेम्पल, अब क्या होगा, गोज गोइंग गो हैज गोन, तो देखो इससे अब जो है टू द टेम्पल और इसके बाद कुछ छूटा है एवरीडे, है ना, मैं यहाँ पर एवरीडे जोड़ देता हूँ, ठीक है। अब बताओ इस तरह के सेंटेंस है कि आई आई डैश टू द टेम्पल एवरीडे, तो एवरीडे यहाँ पर बताओ किस में होता है, प्रेजेंट पर इनडेफिनिट में, तो इनडेफिनिट में होगा तो क्या होगा कि आई के साथ क्या लगेगा, गो, ठीक है, तो आई के साथ क्या लगेगा, गो, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाता है, ठीक है। कोरोना वायरस देखो डिजीज का नाम है ना, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, तो इसमें हैज जो है ब्रोकन इसका सही, सॉरी एम एम आर दिए, इसका डी जो है सही हो जाएगा, है ना। जो हम कुछ कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ टेंस में, ताकि अगर एग्जाम में पूछे इस तरह के क्वेश्चन तो आप एक भी क्वेश्चन न छोड़ो, ठीक है। तो एक जो है क्वेश्चन पूछता है ना एग्जाम में पूछता है, तो कंडीशनल सेंटेंस जो होता है आता है, ठीक है, और उसमें वर्ब जो है भरना रहता है। देखो कंडीशनल सेंटेंस को हम लोग समझते हैं और इसे जो प्रश्न आते हैं उसको देखते हैं। देखो कंडीशनल सेंटेंस में दो तरह के होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लाउज होते हैं और एक सब ऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं। देखो सब ऑर्डिनेट क्लाउज जो होते हैं ना, वो स्टार्ट होंगे इफ से, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज वेल एज, इन केस, तो ये सभी के शुरुआत होगा। तो अगर इस सभी से शुरुआत है तो समझ जाना कि सब ऑर्डिनेट क्लाउज है, ठीक है। और जो सब ऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग उसमें होता है, ठीक है। इसमें किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा इसमें। और अगर प्रिंसिपल क्लाउज है तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस इसमें यूज होगा, किस में, प्रिंसिपल क्लाउज में। प्रिंसिपल क्लाउज में सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होगा, जबकि सबऑर्डिनेट क्लाउज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सबऑर्डिनेट का शुरुआत किससे होगा, तो इसको आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज, एज सून एज वेल एज, है ना, एज सून एज हो गया, एज लॉन्ग एज और इन केस, इतना सारा आप लिख लेना, ठीक है। तो ये सभी से शुरुआत होते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है। और सबऑर्डिनेट क्लाउज में कौन सा टेंस का यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, ठीक है, क्लियर है। एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल है कि इफ यू रन फास्ट कॉमा यू विल विन द रेस, ठीक है, इस तरह की एग्जांपल है। अब बताओ इसमें सबऑर्डिनेट क्लाउज और प्रिंसिपल क्लाउज कौन है, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज का पहचान है कि इफ से शुरू होगा, व्हेन से शुरू होगा, बिफोर से, तो देखो इफ से शुरू हुआ है ना, तो कौन सा हो गया, सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, ठीक है। और ये कौन सा हो गया, ये प्रिंसिपल क्लाउज हो गया, ठीक है। अब बताओ प्रिंसिपल क्लाउज कौन सा टेंस यूज करना है, तो उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना है, तो सिंपल फ्यूचर इसमें यूज हो जाएगा। और इसमें बताओ कौन सा टेंस होगा, तो इसमें टेंस होगा सिंपल प्रेजेंट, क्लियर है, क्लियर है इसमें। तो देखो इसमें हुआ है कि नहीं, यू है ना, यू के बाद कैसा आया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, और देखो यहाँ पर यू है और उसके बाद विल आया है, तो सिंपल है, सिंपल फ्यूचर है ये, और ये सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर के, तो क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है V1 V5 होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल फ्यूचर की मैं बात करूँ तो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, तो सब्जेक्ट होता है और उसके बाद शैल विल होता है और क्या होता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में पूछ रहे हैं, तो इसको मैंने बता दिया, अब आप समझ गए होंगे कि कौन क्या होता है, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल लूँ, जैसे मैं आई लिया और सेल, ठीक है, आई सेल टीच, है ना, हर, और कोमा है इफ सी कम, ठीक है, इफ सी कम्स, है ना, कम्स। अब बताओ कौन कौन सा है, तो बताओ ये कौन सा हो गया, प्रिंसिपल क्लाउज, और ये कौन सा हो गया,
सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो बताओ प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा बनता है? तो प्रिंसिपल क्लॉज सिंपल फ्यूचर से बनता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट से बनता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर खाली स्थान दे दे तो आप समझ जाना कि कौन सा फॉर्म भराएगा, ठीक है, क्लियर है। और मैं कुछ बताना चाहता हूँ ताकि आपको एग्जाम में छूटे ना, मैं कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ सिंस और फॉर का, ठीक है, क्योंकि सिंस और फॉर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेंस में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ बोलूँगा और आपको लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखने का साधन नहीं है, मोबाइल पर मैं लिख रहा हूँ तो इसलिए उतना बनता नहीं है और उतना स्पेस भी नहीं होता है कि मैं उसको क्लियर से लिखूँ। तो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ फॉर, ठीक है, फॉर का यूज़ कहाँ पर करना है। तो फॉर यूज होता है इनडेफिनिट अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के पहले इसका यूज किया जाता है, ठीक है, अनिश्चितता होता है तो उसमें इसको किया जाता है। अब बताओ फोर है तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव समझते हो ना, हो गया है ना, 20 हो गया, ये सब न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होते हैं। और उसके बाद अगर मिनट है, आवर है, मंथ है, वीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल हूँ तो फोर 30 मिनट्स 4 20 मिनट्स 4 2 आवर्स 4 5 डेज 4 2 वीक्स 4 2 मंथ्स 4 3 ईयर्स 4 3 डिकेड्स 4 2 सेंचुरीज। बताऊँ सिंस का, ठीक है, तो सिंस का यूज़ कहाँ पर करना है? तो सिंस का यूज़ करना है नेम ऑफ द डे, डे के नाम के पहले करना है, जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूजडे। नेम ऑफ मंथ के भी पहले करना है, जैसे सिंस जनवरी, सिंस 1980। तो नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ द डे का नाम के पहले आपको लगाना है, तो इस तरह से लगाना है, जैसे मॉर्निंग हो गया तो सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस आफ्टरनून, सिंस सनराइज, सिंस सनसेट, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस मिडनाइट, सिंस ट्वाइलाइट, है ना। तो इस तरह से आपको सिंस का यूज करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो पास्ट परफेक्ट में देखो आप कंफ्यूज हो जाते होगे कभी, लिखा हुआ है कि द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है, हैड डाइड और बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है, डॉक्टर केम। अब बताओ द पेशेंट हैड डाइड और द डॉक्टर केम, दो इसमें कार्य होते हैं। अब बताना द पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर के आने के पहले रोगी क्या हो गया, मर चुका था, ठीक है, तो डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो बताओ इसमें पहले कंप्लीट कौन हुआ। और जो पहले कंप्लीट हुआ होगा, तो जो पहले कंप्लीट हुआ होगा तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस से बनेगा, और जो कंप्लीट नहीं हुआ होगा वो सिंपल पास्ट टेंस से बनेगा। यानी इसमें दो कार्य होते हैं, एक प्रीवियस एक्शन और एक सब्सिक्वेंट एक्शन। तो प्रीवियस एक्शन में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है और सब्सिक्वेंट एक्शन में सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करना है, ठीक है। तो इस दोनों में समझ में आ गया। तो बताओ यहाँ, तो पहले द पेशेंट यानी पहले पेशेंट मरा, उसके बाद डॉक्टर आया, तो पहले पेशेंट मरा तो ये प्रीवियस एक्शन हो गया, पहले यही काम हुआ, तो ये कौन सा टेंस बनेगा, तो पास्ट परफेक्ट टेंस ये बनेगा, ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट हो गया। अब देखो जो बाद में हुआ सिंपल पास्ट से बनेगा, ठीक है, ये भी क्लियर रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो चलिए अब हम लोग मॉडल से देखते हैं कि मॉडल से क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है एग्जाम में, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि आई डैश सोल्व दिस सम। अब बताओ सोल्व दिस सम, अब भरना क्या है, विल है, सेल है, मे है और कैन है, ठीक है। तो बताओ इसमें कौन सा मॉडल से भराएगा। अब मैं बता दूँ कि मॉडल जो है वो एग्जुलरी वर्ब है, ठीक है, एग्जुलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसको बोल सकते हैं, ठीक ना, तो ये मॉडल से, ठीक है। तो इसमें कौन सा भराएगा, कौन सा सही ऑप्शन होगा, तो बताओ आई डैश सोल्व दिस सम, मैं इस सम को सोल्व कर सकता हूँ, मतलब कैपेसिटी है, पावर है, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आगे चलते हैं, अब डैश है और आई कम इन सर, तो क्या यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करें, मे का करें, कूड और शुड, कूड और शुड तो होगा नहीं, ठीक है, कैन भरे कि मे भरे। देखो कैन जो है ना, कैन और मे, ठीक है, तो यहाँ पर परमिशन ले रहे हैं, मे आई कम इन सर, कभी नहीं बोले कि कैन आई कम इन सर, कैन आई कम इन नहीं बोलना है, बड़े के सेंस में जो बड़े से जो परमिशन लेते हैं तो कैन का यूज़ नहीं करते हैं, मे का यूज़ करते हैं, ठीक ना, तो मे ज़्यादा यहाँ पर अच्छा रहेगा, तो मे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो मे इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश आई होप, अब बताओ इसमें कौन सा आएगा, तो बताओ यहाँ पर आई है ना, तो आई के साथ विल तो होगा नहीं, ठीक है, विल तो होगा नहीं, इसके साथ आएगा सैल, ठीक है, इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कोरी कल्पना वाला सेंटेंस है, कि इफ़ आई वर ए बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता तो डैश आई फ्ली, तो मैं आसमान में उड़ पाता, ठीक है। तो बताओ कोरी कल्पना को दिखाने के लिए वुड का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, वुड का प्रयोग कोरी कल्पना या विश के लिए, जो कोरी कल्पना है तो उसके लिए इसके बाद जो है वुड आता है, ठीक है, तो वुड इसमें हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद निवेदिता है डैश रन वेरी फास्ट वेन सी वॉज यंग, अब ये इसमें क्या होगा, इसमें क्या भराएगा, कौन सा मॉडल भर आएगा, तो इसमें देखो चार ऑप्शन से विल है ना, सेल है, शुड है और कुड है,
देखो यहाँ पर कुड होना चाहिए। अब क्यों कुड होना चाहिए? तो कुड का प्रयोग तब करते हैं जब कोई प्रेजेंट एक्शन है और अनरियल है, ठीक है। अब ये निवेदिता जो है रन वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ती थी जब वो यंग थी, ठीक है। जब वो यंग थी तब बहुत तेज दौड़ती थी। तो प्रेजेंट का पास्ट हो रहा है ना, जो अनरियल है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है कुड का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर कुड हो जाएगा, ठीक है। कुड इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन द है डैश टू बी हेयर एनी, ठीक है। अब आउट होगा, मे होगा, कैन होगा कि विल होगा। तो देखो इसका सही ऑप्शन आउट होगा, ठीक है। सही ऑप्शन आउट होगा। उसके बाद है कि आई विश यू डैश डू, क्या भरेगा, मे कुड माइट या शुड, बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा मे, ठीक है। क्या ऑप्शन हो जाएगा, मे हो जाएगा इसमें सही। तो इस तरह से इसमें बनाना है। अब बताओ यहाँ पर डैश है आई स्मोक हेयर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या भरना है, मे भरेगा, मस्ट भरेगा, आउट भरेगा कि विल भरेगा। तो इसमें देखो सही होना चाहिए, इसमें सही ऑप्शन होना चाहिए मे, ठीक है। क्योंकि मे जो है कहते हैं कि डैश यू प्रेफर कोल्ड ड्रिंक टू, अब देखो यहाँ पर इच्छा है, डिजायर है, तो इच्छा और डिजायर के लिए जो है यूज़ करते हैं वुड का, है ना। तो वुड इच्छा और डिजायर के लिए यूज़ करते हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सीडेंट डैश हैपन इन क्राउडेड सिटी, ठीक है। अब इसमें क्या भरेगा, शुड, कैन, सेल या मस्ट, अब बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कैन, ठीक है। कैन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डैश है यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग, अब क्या इसमें भरें, तो विल भरें, शुड भरें, मस्ट भरें कि सेल भरें, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन विल जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुसुम डैश प्रेफर टू कीप क्वाइट, क्या भरेगा, क्या इसमें भरेगा, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन वुड हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ़ आई वर आई डैश नॉट डू इट, अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा। तो इफ़ आई वर डैश है नॉट टू डू इट, अब इसमें जो है वुड इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉडल क्या है, एक्जुलरी वर्ब, मैंने ऊपर बताया कि एक्जुलरी वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्कूल डैश रिमेन क्लोज टुमारो फॉर दिवाली, अब क्या भरेगा, सेल, विल, हैड या शुड। तो इसमें सही ऑप्शन होगा, इसमें सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है। तो इस तरह से जो हमने मॉडल से देखा, ठीक है, मॉडल से भी क्वेश्चन जो है बहुत आते हैं। अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में जो है काफ़ी मदद मिले। अब देखो कैन जो है, कैन का ही पास्ट क्या है, कुड है, ठीक ना। और जैसे देखो मे है, मे का ही पास्ट फॉर्म क्या है, माइट है, ठीक ना, तो माइट है। अब कैन का यूज पॉसिबिलिटी दिखाने, पावर दिखाने के लिए है ना, तो वहीं पर मे का जो यूज़ करते हैं पोलाइटनेस दिखाने के लिए। देखो पोलाइटनेस दिखाने के लिए चारों का यूज किया है, ठीक ना, पोलाइट रिक्वेस्ट हो या परमिशन होती है, चारों का यूज हुआ है। लेकिन लेकिन अधिक विनम्रता तथा झिझक वाले जो हैं ये होते हैं, ठीक है। ज़्यादा अगर विनम्रता है तो इसका यूज करते हैं कुड और माइट का, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ कैन और कुड का, तो कैन जो है, कैन से ज़्यादा जो है मे का यूज होता है, ठीक ना। तो मे का यूज जो है ज़्यादा अच्छा माना जाता है, मतलब समझो एक तरह से कि पहले कैन है, ठीक ना, उसके बाद मे है, और उसके बाद जो है माइट है, ठीक है, उसके बाद क्या है, माइट है ना। तो इस तरह से जो है अब मैं आगे, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्लाउड से प्रश्न कैसे पूछता है एग्जाम में और आ सकता है, ठीक है। तो आई एम नॉट श्योर डैश विल टीच अस इंग्लिश, क्या भरेगा, व्हेन, हाउ, हु या व्हाट। देखो आई एम नॉट श्योर विल टीच अस इंग्लिश, तो इसका सही ऑप्शन हु होना चाहिए, ठीक है, सही ऑप्शन हु होना चाहिए। मैं श्योर नहीं हूँ कि कौन मुझे इंग्लिश पढ़ाएंगे, ठीक है, तो हु जो इसका सही हो जाएगा। अब बताओ गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ, तो इसमें भी हु होगा, ठीक है। आई नो डैश है व्हाट, व्हेन, हाउ, आई नो डैश यू, क्या, व्हाट, व्हेन, हाउ या विच। अब इसमें देखो कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसमें सही ऑप्शन व्हाट होगा, आई नो व्हाट यू, मैं तुम्हें नहीं जानता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डज नॉट नो डैश टू प्ले, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा, तो ही डज नॉट नो डैश टू प्ले, तो इसमें व्हेन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ही डजंट नो डैश टू बिहेव, अब इसमें बताओ क्या भरेगा, ही डजंट नो डैश टू बिलीव, तो इसमें सही ऑप्शन इसमें भी क्या होगा, इसमें कौन सा जाएगा, हाउ, ठीक है, आई डज नॉट हाउ, मैं नहीं जानता कि कैसे व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो इसमें भरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ही स्पोक डैश वाच, बताओ क्या, व्हेन, व्हाई, व्हाट या हाउ, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें सही ऑप्शन होगा व्हाट जो है सही हो गया, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई रीड द स्टेशन डैश द ट्रेन हैड लेफ्ट, बताओ इसमें क्या भरेगा, तो इसमें जो है व्हेन, ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, व्हेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं कि मैनी डज नॉट नो टू गो वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, कौन सा भरेगा इसमें, तो इसमें सही ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन वेयर होना है ना, ऑप्शन ए इसका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस इज द बुक डैश आई बाउट यस्टरडे, यह वही बुक है जो मैंने कल खरीदा था। तो इसमें बताओ हुम होगा, हु होगा, हुज होगा, विच होगा। तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसका ऑप्शन जो है विच होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्लीज टेल मी डैश टुक माई पेन, हुज, हुम, वेन या नॉन दिस। सही ऑप्शन इसका होना चाहिए हु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं डिटर्मिनर से कैसे क्वेश्चन आएगा। तो आई हैव डैश रेड, अब बताओ रेड के पहले क्या भरेगा, ए ए ए एन द या फ्यू। तो बताओ क्या भरेगा, तो इसमें ए भरेगा, ऑप्शन बी सही है। क्यों, चूँकि रेड जो है, रेड का फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसका साउंड कैसा है, साउंड भी कॉन्सोनेंट है, तो साउंड भी कॉन्सोनेंट हो तो उसमें ए भरते हैं। ठीक है, लेटर कुछ भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द काउ इज डैश एनिमल। ठीक है, अब यहाँ एनिमल है तो एनिमल में देखो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या रहा है, एनिमल, वोवेल साउंड आ रहा है, ए एन इसमें सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हैव यू डैश मनी, बताओ इसमें क्या भराएगा, ऑल द एनी या फ्यू। तो इसमें सही ऑप्शन इसका क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन एनी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही इज डैश बेस्ट, अब बताओ बेस्ट है यहाँ पर क्या भराएगा, बेस्ट यहाँ पर आगे बॉय होगा, है ना, छूट गया है, बॉय होगा। ठीक है, तो ही इज डैश बॉय, द आएगा ना, क्यों, चूँकि सुपरलेटिव डिग्री है तो द इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डैश माई बुक्स हैव बीन, क्या ऑल इसमें सही होना चाहिए, ऑल माई बुक्स हैव बीन स्टोलन हो गए, है ना, स्टोलन। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डैश इज सेफ, इज सेफ क्या होगा, आइदर नाइदर और या देन। तो इसका सही ऑप्शन ये होगा, आइदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो रामायण है, रिलीजियस बुक का नाम है, तो रिलीजियस बुक का नाम है तो उसे पहले आर्टिकल द आता है ना, तो ऑप्शन इसका सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ डैश मनी डू यू वांट, अब बताओ क्या भरेगा इसमें, मनी है ना, मनी क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के लिए क्या यूज़ करते हैं, विच का यूज़ करते हैं ना, और काउंटेबल के लिए मैनी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, अब बताओ इसमें क्या होगा, एप्पल है ना, तो एप्पल है तो सिंपल ए एन होगा। ठीक है, तो इसमें ए एन जो है सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश है द मैंगोज आर सावर, बताओ ऑल, फ्यू, ए फ्यू या मैनी, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो बताओ इसमें सही ऑप्शन ऑप्शन ए होगा, ऑल। ठीक है, अब देखो पोरितोस इज डैश ऑनरेबल, ऑनरेबल क्या कौन सा है, इसका साउंड कैसा आ रहा है, ऑनरेबल, वॉयल साउंड है ना, तो ए एन आएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रश्मि बाउट अ बुक एंड डैश इंपोर्ट, एंड इंपोर्ट होगा, क्यों, चूंकि इसका साउंड वॉयल है, इंपोर्ट है ना, तो इसमें ए एन जो है हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश ऑफ द बॉयज सैंग अ सॉन्ग, अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, नन होगा, समन होगा, एवरीवन होगा, यानी समन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आई एम डैश अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, तो स्टूडेंट कैसा साउंड है, कॉन्सोनेंट है ना, तो कॉन्सोनेंट तो एक बार, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, सी ना, नेक्स्ट, आई नीड डैश सम मिल्क। ठीक है, सम इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी हैज डैश सन एंड डॉक्टर्स, बताओ इसमें क्या होगा, 1 3, तो ये देखो यहाँ पर सन है ना, तो 1 होगा और ये डॉक्टर्स मतलब 3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ डज मिल्क डू यू टेक डेली, बताओ क्या भराएगा, मैनी, मच, फ्यू, लिटिल। सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन इसका होना चाहिए ऑप्शन सेकंड, मच। ठीक है, क्यों, चूंकि मिल्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, इसमें भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 3 तो इससे आता ही है। ठीक है, तो मॉडल सेट में भी इससे क्वेश्चन पूछा था, तो इसको भी हम लोग देखते हैं कि कैसे ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होता है। ठीक है, कैसे बनाया जाता है, तो इसको हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, और इसको जो है सबसे पहले इसको अगर बनाना है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को पहचानना होगा, वर्ब को पहचानना होगा और ऑब्जेक्ट को पहचानना होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को खोजना रहता है इसमें, है ना, सब्जेक्ट को पहले लिखना है, उसके बाद वर्ब को और उसके बाद ऑब्जेक्ट को, यही इसका करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस यही है। ठीक है, तो इसी पर जो है, इसी स्ट्रक्चर पर उसमें लिखना रहता है, किसको, ये ऊपर वाला को। ठीक है, अब इधर उधर कर दिया है, सब्जेक्ट इधर है, वर्ब उधर है, कभी इधर कभी उधर, मतलब टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, और इसको सीधा करके लिखना है। ठीक है, और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, इसको बोलते हैं जंबल्ड वर्ड। ठीक ना, जंबल्ड वर्ड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको जो है बनाने के प्रयास करते हैं। तो देखो, अब इसमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट को पहचानना है, तो सब्जेक्ट इसमें कौन सा होगा, तो बेटर है कि बेटर तो नहीं है, बेटर तो आपको बताइए, हो गया, देन भी नहीं होगा, क्योर, ई तो वर्ब है, प्रिवेंशन इसमें है। तो देखो, प्रिवेंशन 3 चीज़ में है, ए में है, सी में है और डी में है। अब कौन सा होगा, तो बताओ प्रिवेंशन के बाद इज किस किस में आया है, तो इज ये दोनों में आया है। ठीक ना, तो यानी ये जो है गलत हो गया, और ये भी तो गलत ही है। अब दो ऑप्शन बच जाता है। ठीक है, तो इज है, अब इज के बाद बताओ क्या आएगा, तो इज के बाद कौन सा आना चाहिए, क्या आना चाहिए, तो देखो इज के बाद जो है बेटर आएगा। ठीक है, तो अब देखो बेटर इसके बाद आया, और ये देन है इसके बाद, ऑप्शन सी भी कट हो गया, तो ऑप्शन डी कौन सा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको बनाना है। ठीक ना, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब कह रहा है एन हेड है, किप्स ए डॉक्टर एप्पल अवे,
अब बताना इसमें क्या बनेगा। सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट पहचानना है, तो सब्जेक्ट बताओ कौन सा है। तो सब्जेक्ट पहले यानी एप्पल को पहले देखो किस किस में है। तो ये डॉक्टर तो होगा नहीं, ये वाला तो ऑप्शन का भी होगा नहीं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब दोनों में है एन एप्पल, एन एप्पल दो है, बी और सी में है, ठीक है। अब देखो इसके बाद भर है किसके बाद, तो देखो सी में देखो तो ए डे है, तो ए डे भर थोड़े है, तो ख़त्म हो गया इसे। अब बच्चा बी, तो बी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी नहीं होगा इसमें, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट है, ठीक है। ए डे पहले होगा तब किप्स होगा और डॉक्टर अभी, ये ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, इसका सही ऑप्शन सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो द है टू थीप्स यस्टरडे काउट पुलिस। अब बताओ इसमें पहले सब्जेक्ट कौन आएगा, तो पहले सब्जेक्ट बताओ कौन सा आना चाहिए। तो पहले सब्जेक्ट पुलिस है ना, तो द पुलिस देखो किस किस में है, तो एक ए में है और एक ए के में है, तो इसमें ये तो ऐसे गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें सही है कि नहीं। काउट है, बिट्टू है, सही है, टू थीप्स है, यस्टरडे, ये सही है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिजिकल एक्सरसाइज फॉर इसेंशियल इज हेल्थ गुड। अब इसको अरेंज करके लिखना है, सजाना है, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट देखना है ना, तो पहले सब्जेक्ट बताओ कौन सा हो जाएगा, तो फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज पहले देखो किस किस में है, तो दो में है, ए में है और सी में है, तो ये दोनों तो इसी खत्म हो गया, ठीक है। तो फिजिकल एक्सरसाइज सब्जेक्ट है, तो दोनों में ए में है और सी में। अब देखो फिजिकल एक्सरसाइज के बाद वर्ब किस में आया है, इसेंशियल पहले आएगा है ना, इसेंशियल आने के बाद ही वर्ब आएगा, तो इसेंशियल आया, और उसके बाद देखो वर्ब, तो वर्ब किस में है, तो वर्ब इसेंशियल के बाद इज है और इसमें भी इज है। उसके बाद फॉर गुड हेल्थ, तो फॉर गुड हेल्थ। अब देखो बताओ कि इसमें क्या है, इसमें फॉर गुड हेल्थ और इसमें भी फॉर गुड हेल्थ, तो बताओ इसेंशियल है ना, तो इसेंशियल के वजह से जो है ए गलत हो गया, क्योंकि क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए, ठीक है। तो इसमें वर्ब आया, फिजिकल के बाद इज आया, तो जो इसका जो है सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक ना। यानी फिजिकल एक्सरसाइज इज इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, तो इस तरह से बनाना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑन माय बिसाइकल टू गो आई यूज टू माय। अब बताओ इसमें इसको अरेंज करना है। देखो आई ना, पहले सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है, सब्जेक्ट जेरंड हो सकता है, सब्जेक्ट इन्फिनिटिव हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं, ठीक ना। तो बताओ इसमें प्रोनाउन पहले देखो, नाउन प्रोनाउन है या नाम है, तो नाउन प्रोनाउन नाम पहले देखो है तो है, तो वो सब्जेक्ट होगा। तो आई देखो आई सब्जेक्ट हो गया, तो आई किस में, तीन गो में है, ऑप्शन ए तो इसी गलत हो गया, क्यों, चूँकि पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट तीन चीज़ में है और तीनों के बाद वर्ब भी यूज किया है, देखो तीनों में यूज टू, यूज टू तीनों में है। तो अब बताओ इसमें सही ऑप्शन कौन होगा, तब आगे देखते हैं तो पता चल जाएगा। तो आगे क्या है, तो अब आई यूज टू है, अब गो के बाद टू किस किस में है, तो गो के बाद यहाँ पर ये बी में नहीं है, तो बी खत्म हो गया है, चूँकि गो के बाद टू नहीं है, तो गो के बाद जो है वर्ब जो गो है टू लेता है, ठीक ना। तो ये टू हो गया इसमें है और इसमें भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा होगा, आई यूज टू गो माई स्कूल माई बिसाइकिल, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशन छूट गया है, ठीक ना। प्रीपोजिशन यहाँ पर छूटने की वजह से जो है ऑप्शन सी गलत होगा। ऑप्शन सही कौन सा होगा, तो ऑप्शन सही जो है ऑप्शन इसमें ऑन छूट गया है, यहाँ पर सिर्फ ऑन छूटा है, ठीक ना, ऑन होना चाहिए यहाँ पर, ऑन माय बिसाइकिल। अब इसमें नहीं होगा क्योंकि ऑन जो है, अब देखो ये टू यहाँ घुसा दिया है, टू यहाँ पर गो के बाद आना चाहिए था, तो अगर टू यहाँ पर रहता ना तो ये बी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये सही होगा सी, क्यों, चूँकि यहाँ पर गो टू है और माई स्कूल है और ऑन माई बिसाइकिल, अपने साइकिल पर चढ़ कर जाएगा, कैसे जाएगा, तो ऑन यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन जो है इसका सी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स है, आई है, माई वर ग्रैंड मदर एंड गुड। अब देखो यहाँ पर कौन सब्जेक्ट बनेगा, आई और माई ग्रैंड मदर दोनों बनेंगे, ठीक है। अब दोनों बनेंगे तो पहले किसको लिखना है, तो देखो इसके लिए भी कॉन्सेप्ट मैं आपको दे देता हूँ। अगर तीन पर्सन के लिए आपको लिखना है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों यूज करना है, तो आप अपनाना टू थ्री वन। टू मतलब सेकेंड पर्सन पहले लिखाएगा, थ्री मतलब थर्ड पर्सन पहले और उसके बाद लास्ट में फर्स्ट पर्सन। और अगर दो पर्सन है, ठीक है, तो दो पर्सन के लिए आपको यूज़ करना होगा, दो पर्सन के लिए आपको यूज़ करना होगा थ्री वन, ठीक ना। दो पर्सन के लिए क्या होना, थ्री वन आप यूज़ करना, ठीक है। उसके बाद आप टू वन यूज़ कर सकते हो और टू थ्री का यूज़ करना है। तो इस तरह के जो है दो पर्सन के लिए यूज़ करना रहता है। तो पहले बताओ माई ग्रैंड मदर थर्ड पर्सन है ना, तो पहले वो आएगा उसके बाद आई आएगा, तो ये सही है। अब इसके बाद वर्ब कौन सा लगेगा, तो देखो अब इसमें जो वर्ब है, अब ये भी ध्यान देना है ना कि वर्ब कौन सा लगेगा। तो इसमें देखो वर्ब कौन आना चाहिए, प्लुरल, क्यों, चूंकि ये दोनों अलग अलग है ना, ग्रैंड मदर अलग और आई अलग, ठीक है। तो वर्ब है, उसके बाद ये सही है, और गुड फ्रेंड, ये ऑप्शन सही है, ए ही सही है। बाकी देखो क्या क्या किया है कन्फ्यूज करने के लिए, तो माई ग्रैंड मदर लगा दिया, आई लगा दिया, देखो एंड इसमें एंड, एंड यहाँ पर लगना चाहिए ना, ये तो इसी गलत हो गया। इसमें क्या गलती है, पहले इज कर दिया, पहले क्या आना चाहिए, पहले
थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन आएगा तभी लास्ट में फर्स्ट पर्सन आएगा ना, तो ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह से आपको बनाना रहेगा, ठीक ना। तो थिएटर राम, राम नाउन हो गया ना, तो नाउन हो गया तो ये पर्सन मतलब सब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट देखो दोगे में है, दोगे में है, तो ये दोनों ऑप्शन तो इसी गलत हो गया। क्यों? चूँकि सब्जेक्ट पहले चाहिए था, सब्जेक्ट ये दोनों में। अब देखो इसके बाद देखो सेल्डम, सेल्डम मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो होता है तो सेल्डम होगा ना, और उसके बाद गोज होगा, और टू द थिएटर ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसको बनाना है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि इट, इट देखो इट जहाँ भी आ जाए वो सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक ना। तो सब्जेक्ट का काम करता है लास्ट नाइट, है ना। तो लास्ट नाइट भी देखो, अब इसको देखो बनाना है तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, तो रैंड इट हैवली लास्ट नाइट, रैंड इट हैवली लास्ट नाइट, रैंड इट हैवली लास्ट नाइट। तो ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनीता क्रो अ सीन नेवर है। देखो अनीता यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा, तो देखो अनीता किस किस में है, तो अनीता देखो सी में है, ठीक ना। तो अनीता हैज नेवर सीन अ क्रो, ऑप्शन सी ही सही है। ठीक है, क्यों? चूंकि अनीता जो है सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट पहले आना चाहिए ना। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो। अब देखो ही इज, अब देखो रिमूवल टू है यहाँ पर आया है, रिमूवल टू का यूज हुआ है, तो पहले ही सब्जेक्ट है तो ही चारों में आया है। ठीक है, उसके बाद देखो वर्ब किस किस में आया है, तो वर्ब दो में आया है, ए और बी में। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, तो बताओ वर्ब है इसमें तो सही है। ये दोनों क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब उसके बाद रिमूवल टू आता है, ठीक है, टी डबल ओ, तो रिमूवल टू है और वीक टू वाक, वीक टू वाक, ये ऑप्शन इसका सही है, इसका ऑप्शन जो है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब कैन है राधा अ सिंग सॉन्ग। अब बताओ राधा इसमें क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो सब्जेक्ट तीन गो में है, तो ऑप्शन डी तो वैसे निकल गया। अब देखो इसके बाद वर्ब किस में आया, तो देखो कैन है ना, तो राधा के बाद कैन आना चाहिए था, ये भी सही है, और ये दोनों भी क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? चूंकि राधा के बाद कैन आएगा सिंग अ सॉन्ग, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है, अब इसको मैं दिखा देता हूँ, आप खुद से बना लेना, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर हमको बोलना, मैं उसको सॉल्व करा दूँगा। ठीक है, अब देखो आई एम नोइंग, अब ये भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार। मैंने आपको बताया है कि नो जो है के एन ओ डब्ल्यू, ये नो कभी भी कॉन्टीन्यूअस टेंस में नहीं यूज होता है, कॉन्टीन्यूअस टेंस में इसका यूज नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस में आता है, सिंपल प्रेजेंट में। तो आई एम नोइंग सही नहीं है, आई नो सही होगा। ठीक है, तो अगर आई एम नोइंग है और यहाँ पर यू होना चाहिए, ठीक है, जो छूट गया है कोई बात नहीं, आई एम नोइंग यू ऐसे है। ठीक है, अब बताओ इसका सही ऑप्शन क्या होगा, कि आई नोइंग यू गलत होगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये क्यों? चूँकि प्रेजेंट होता है ना, नो कभी भी बिफोर नहीं होगा, वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह से आपको छाटना है, द यू है शुड है गो नाउ, ये सही लग रहा है कि यू कैन गो नाउ, कि यू विल गो नाउ या यू विड गो नाउ, बताओ इसमें सही ऑप्शन कौन होगा? तो इसमें सही ऑप्शन होना चाहिए यू कैन गो नाउ, ठीक ना, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं कि द डोर बी शट लेट, लेट द डोर बी शट, द डोर लेट बी शट या लेट बी द डोर शट, सही ऑप्शन इसका बी होना चाहिए। ठीक है, लेट द डोर बी शट, ठीक है, तो इस तरह से ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आई हैव नो एनी फ्रेंड या आई हैव नो फ्रेंड, आई हैव एनी नो फ्रेंड, आई हैव एनी फ्रेंड नो, तो देखो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन बी, आई हैव नो फ्रेंड। ठीक है, आई हैव नो पेन, आई हैव नो बुक, तो ये यूज होता है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट ये सब आप खुद से अब कर लेना। ठीक है, चूँकि मैं बोलते बोलते थक गया हूँ, तो इसलिए इसको खुद से सॉल्व कर लेना है। ठीक ना, वीडियो को पॉज करके इसको आप खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। अब देखो ये जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एन पोटैटो और एन वेजिटेबल नोट अ फ्रूट। अब बताओ इसमें करेक्शन देखना है, मतलब क्या इसमें गलत यूज किया है, क्या सही होना चाहिए। तो देखो पोटैटो के पहले एन यूज किया है, तो पोटैटो बताओ कैसा साउंड है, पी कैसा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर ए होना चाहिए। ठीक ना, तो ए यहाँ पर होना चाहिए, और वेजिटेबल में भी ए एन लगाया है, मतलब यहाँ भी ए होना चाहिए। क्यों? चूँकि वेजिटेबल में कॉन्सोनेंट साउंड है ना, तो ए ए इसका होगा। तो देखो ए ए कौन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है ए ए, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, अब बताओ इसमें कौन सा होगा, द ब्लैक काउ वर बींग चेज बाय द वाइट हॉर्सेस। अब बताओ इसमें क्या गलती है, उसको आप ढूंढना है और सही उसमें भरना है। ठीक है, तो वाज बींग चेजिंग होगा, वाज बींग चेजेज होगा, वाज बींग चेज होगा या वाज भी चेज होगा, इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, वाज बींग चेज है ना, तो वाज बींग चेज जो है इसका सही है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर क्यों है, कि यहाँ पर वर है ना, तो वर यहाँ पर नहीं आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक ना, और यहाँ पर जो ये है चेज, यहाँ पर क्या ना चाहिए, भी थ्री। ठीक ना, तो इस तरह से इसमें होता है। ठीक है, बताओ आई वाज गिव ए प्राइज बाय द हेड, अब बताओ कि क्या होगा, आई वाज गिवन ए प्राइज बाय द हेड, अब इसमें बताओ क्या है इसमें, तो इसमें कौन सा होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन नो करेक्शन, ये सही सेंटेंस है ना, तो इसमें डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सीता विल कम व्हेन शी फिनिश्ड वर्क, अब बताओ इसमें क्या होना चाहिए। देखो फिनिश्ड जो है ना, इसमें तो डाउट है, फिनिश्ड
फिनिश्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फिनिश होना, चूँकि सिंगुलर वर्ब है तो फिनिशेज होगा ना, तो फिनिशेज यानी पहले तो यहाँ पर विल वेन आएगा, ये सही है, और इसके बाद जो है फिनिश जाएगा यानी V5, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसको बनता है, और इस तरह से यहाँ पर नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है, तो अब आप इसको खुद से सोल्व कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन है, बताओ इसको अब क्या करना है, रीअरेंज द पेयर्स ऑफ द सेंटेंस इज करेक्ट, बताना है पी है लेमन इज, क्यू में लिखा है फॉर एनीवन, यूजफुल टोनिक एस में है विथ कार्डिनल प्रॉब्लम, बताओ इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा, पी क्यू आर एस लिखा गया, एस आर पी एस लिखा गया, ये लिखा गया कि ये लिखा गया, ठीक है, कौन लिखा गया इसमें। ठीक है, तो बताओ पहले सब्जेक्ट चाहिए ना, तो सब्जेक्ट बताओ कौन सा है, तो लेमन इज ए, तो पहले पी होगा। ठीक है, लेमन इज ए क्या यूजफुल टोनिक, तो यूजफुल टोनिक है ना, तो यूजफुल टोनिक, तो इसमें जो है पहले अब कौन आएगा, आर आएगा, तो आर होगा। ठीक है, आप बताओ इसमें कौन आना चाहिए, क्यू आना चाहिए फॉर एनी वन है ना, तो क्यू। ठीक है, और उसके बाद कौन आना चाहिए, तो उसके बाद आना चाहिए एस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी आर क्यू एस, तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन सी में पी, देख लेते हैं, पी आर क्यू एस, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इस तरह से इसको करना रहता है। ठीक ना, अब देखो यहाँ पर इट इज है प्रोग्रेसिंग ऑफ इन्फेक्शन है ना, और उसके बाद फॉर गुड है और चेकिंग द है, अब बताओ पी क्यू आर एस है और ये कौन सा होगा, तो पहले सब्जेक्ट इट इज हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज पहले यानी पी क्यू, पी पहले होगा है ना, तो पी पहले होगा और उसके बाद कौन सा होगा, तो उसके बाद होगा आर क्यू, चूँकि इट इज गुड फॉर सही है, तो आर सही है। उसके बाद क्या होना चाहिए, तो इसके बाद होना चाहिए, इसके बाद होना चाहिए एस, क्यों चेकिंग द गुड फॉर चेकिंग द, और उसके बाद ये, तो एस और क्यू इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन इसमें जो है पी आर एस क्यू सेकेंड में है, पी आर क्यू एस, इस तरह से इसको बनाना रहता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, इसको भी आप सोल्व कर लेना इस तरह से। ठीक है,